If your eyes are positive, you will love the world. But if your tongue is positive, the world will love you. Life is too short. Use every second, feel every moment. Bismillahirrahmanirrahim. जो हम बनाते हैं चीज चीज कट लिस्ट, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए, हमें मिल गया है 150 ग्राम मोज़रेला चीज है, 2-3 आलू बॉईल करके मैश कर लिए हैं, 1 प्लेट हमारे पास कबाब से ही ऑप्शनल है, नहीं हो तो चलेगा, 1 बोल हमारे पास चिकन है, ये शेड करके मैंने रखा है, और साथ ही साथ हमारे पास कोई गार्लिक सॉस हो या चिली सॉस हो तो वो भी लगेगा साथ में, बस इतने से इंग्रीडियंट्स है। और तो चलिए चलते हैं शुरू करते हैं अपना बनाने का प्रोसेस। बहुत सबसे पहले हम वेजिटेबल बॉइल करके उसे हल्का सा पीस देंगे, उसे पोटैटो में ऐड कर देंगे, उसके बाद हम अपना चिकन इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा गोल्ड मिर्च ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, इन सबको ऐड करके हम इसमें थोड़ा सा रेड चिली सॉस डालेंगे, थोड़ा सा मेयोनीज या चीज़ कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमको वेजीज हमने पीस लिया था, बिकॉज बच्चों को फुल वेजिटेबल पसंद होती तो किसी को पता भी नहीं चलता, और पीस का चीज है हेल्दी का हेल्दी रहता है, इसे फिर हम एग में डिप कर लेंगे और ब्रेड क्रम से कोट कर देंगे। देखिए हमारे पोटैटो क्रॉकेट्स बिल्कुल रेडी है, अब इसे फटाफट गरम तेल में हम फ्राई कर देंगे, बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट किए और फौरन फ्राई करना है, गोल्डन करके उठा लेना है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी हो जरूर बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में, अगर पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। इसी फिलिंग को हम पापड़ी फ्री में भी बनाएंगे, क्योंकि पापड़ी फ्री हमने थोड़ी देर पहले आधे घंटे पहले निकाल दिया था थॉ करने के लिए, अब हम इसमें इसकी फिलिंग करेंगे और साइज में एग वॉश लगा देंगे और इसे अच्छे से सील कर देंगे हाथों की मदद से, उसके बाद इसे कांटे से या छुरी से इसके एंड्स को सील कर देंगे कुछ इस तरह से। इसे एयर फ्रायर या अवन में हम बना देंगे प्री हीट करके। ये देखिए हमारी पफ पेस्ट्री पैटीज रेडी है, चलिए चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। ये है चिकन चीज बर्स्ट। जी हाँ, चिकन की टिक्कियाँ हमने बना ली है, इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके चिकन बर्गर की रेसिपी देख लीजिए, बहुत ही इजी और आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए हम सबसे पहले मोज़रेला चीज लेंगे और इसके क्यूब्स को काट लेंगे क्यूब फॉर्म में, छोटे छोटे पीसेस, और उसके बाद जो हमने चिकन कटलेट्स बना के रखे उसके अंदर में हमें इसकी फिलिंग करनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से बड़ा सा पीस लेना है और इसे अच्छे से एनवलप कर देना है और गोल करके राउंड बॉल जैसा बना देना है। तेल इसके चारों तरफ लगा के रखने, इसी तरह बाकी सब पीसेस को भी इसी तरह से कोट कर लेंगे और बना बना के रख देंगे। ये बहुत ही आसान डिश है, इसे हम बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रीज कर दिया। अब जब भी इसे खाना हो खाली से डीप फ्राई करना होगा। ये देखिए बस हमने सारा तेल में से डीप फ्राई कर दिया है और कुछ नहीं करना है, नो कोटिंग नथिंग, इतने क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। मीडियम आंच में इसे फ्राई करना है, देखिए चीज बाहर भी निकल आ रहे हैं। मीडियम आंच में इसलिए फ्राई करना है कि कीमा जो थोड़ा निकल जाए अच्छे से और इसकी चीज भी अच्छे से मेल्ट हो जाए, बेहतरीन बहुत ही टेस्टी बनते, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आइडिया है कि दाल पूरी, अगर पूरी आपने बनाई हो या कोई किस्म की पूरी बनाई हो तो उसे आप जो है फ्रीज कर दें इस तरह से फॉइल लगा के एक के ऊपर एक, ताकि बाद में अगर आपको यूज करना तो आप इसे यूज कर सकते हैं, इसे ज़िपलॉक बैग में करके रख दें फॉर फर्दर यूज। तो इस तरह से आपका और एक आइटम रेडी हो जाता है रमजान के लिए, स्पेशली आपको जब मौका मिले तो पूरी या पराठा कुछ भी इस तरह फिलिंग करके आप कीमे की पूरी आने बनाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटैटो कटलेट्स, सबसे पहले हमने 5-6 बड़े बड़े आलू को बॉइल करके इस तरह से मैश कर लिया है, ज्यादा कुछ नहीं। ये देखिए कटे की मदद से बेहतरीन मैश हो जाता है, आलू को 1 सीटी के बाद हम मैश पेपर 9 मिनट तक रख दे बेहतरीन हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े साइज के आलू होने चाहिए। और यहाँ पे इसके मसाले के लिए मैंने दी है 2 खड़ी लाल मिर्च, इसको तोड़ दिया बीच से, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा वेजीज हमने यहाँ पे लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती है और थोड़ा सा ये पत्तियों जिसका कैसे पत्तियाँ हमने लिए, इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ मेरे पास जलजीरा पत्ता भी है, ये यूजली
शवाया मंदी के साथ ही जाता है नीम के पैसे भी, जितने सारे पत्ते हों आपके पास, जितना सिर्फ बची से उतना अच्छा है। दोनों के भी पत्ते इस तरह से अलग करके सब पत्ते हमको ले जाने हैं, बस उन सबको महीन महीन चौक दे देने हैं, सिर्फ पत्ते लेने का नहीं है। देखिए इस तरह से हमने ले लिया है और यहाँ पे कुछ हंडी बॉडी करके रखी है, पाँच से छह इन्हें हम बीच से कट कर लेंगे। देखिए हम तो इस तरह हमने काट लिया चौक चौक से, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे ऊपर से और थोड़ा सा गोल मिर्च ऐड कर लेंगे। बस ये फिर हमारा रेडी है आटा आलू चौक के लिए। और दूसरी तरफ हमने चिकन भी रेडी होगा। देखिए एक फुल फैमिली चिकन है, इसे यहाँ पे सावधी में छोड़ाया मुर्गी करते हैं, इसे हम अच्छे से छोड़ा लेंगे इसके स्किन और इसे श्रेड कर लेंगे चिकन के। हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे, थोड़ा सा मालूम नहीं लगा अच्छा सा सोते वेजिटेबल्स के हमारे पास इसको बॉइल करके रखता है, इसको मैक्सिमम चॉप कर लेंगे क्योंकि यूजली बच्चों को इतने बड़े बड़े वेजिटेबल्स पसंद नहीं थे, तो उसको ऐसे बारीक चॉप कर लेंगे कि वो खा सके आराम से, पता भी तो चलेगा और लजीज बनेगा हमारा कटलेट। वेजिटेबल हमारा हो चुका है, देखिए थोड़ा दर्द कर रखना है और हम उसी चॉप कर लेंगे हाँ और पत्ते को पीस लेंगे। यहाँ देखिए ब्रेड क्रम्ब रेडी है, चिकन को हमने चीज के साथ मिला लिया है, अंडे प्लेट की रखनी है तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के कटलेट्स हमने बना लिए गोल गोल, हम आपको दिखाते हैं अभी प्रोसेस किस तरह से हमने बनाए हैं। जो सारे वेजीज थे उसे पोटैटो के साथ मिक्स करके अच्छे से हमने इस एग में डिप कर लिया है। ये प्लेन अंडा है, नमक फेटा हुआ कुछ नहीं, बस इसे हम ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। आसानी से बन जाता है, इसके अंदर आप कोई भी फिलिंग दे सकते हैं, वो अंडे की चीनी की फिलिंग या चिकन की फिलिंग दे देंगे कुछ इस तरह से। ऑयल अंडा डालकर हमने कितने अच्छे से कोट कर दिया है, इसे हाथ पे ऑयल लगा दीजिएगा तो ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। इसके अंदर आप चीनी की फिलिंग भी दे सकते हैं, चीज की, मैक्रोनी की, कुछ भी अलग अलग फिलिंग ट्राई कर सकते हैं। उसे बस 3 मिनट तेज आँच पे डीप फ्राई करना है, बहुत ही अच्छे यानी क्रिस्पी बनते हैं, मेरी न्यूट्रिशन से देखिए चिकन फिलिंग के साथ हम आपको दिखा रहे हैं और एक तरीका जिसे आप हटा सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है। इसके बाहर की कोटिंग भी आप डिफरेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो अगर आपके पास सेवैया है तो सेवैया से भी आप कोटिंग कर सकती है, वो भी बहुत क्रिस्पी होता है, या तो आप मैगी से कोटिंग कर सकती है, वो भी एक बहुत ही डिफरेंट तरीका है। ट्राई करें और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है।